Hello my dear children this is Shikha Arora and today we are going to start with class 8 science chapter number 12 that is some natural phenomena so let's get started the main aim of this chapter are understand electrical charges and differentiate between the type of charges learn different methods of charging a body explore lightning and safety measures to be taken during lightning understand earthquakes how to measure them and how to protect oneself during an earthquake. Have a look on the warm up, children. Look at the following picture and identify these natural phenomena. So, if you yahan here, what is hai, This is a yahan pe kya hai? This is thunderstorm, lightning, hai. and this is a cyclone, and here it is a tsunami. Phenomena such as earthquakes, rains, and lightning occur naturally. So, बच्चों हम क्या देखते हैं कि कभी कभी अर्थक्वेक्स आते हैं लाइटनिंग होती है स्काई में जब बहुत तेज थंड आते हैं तो लाइटनिंग होती है स्काई में तो ये क्या मैन मेड फिनोमिनाज हैं नहीं ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमिन हैं जो नेचर में अपने आप से हो रहे हैं डज दे आर नोन एज नेचुरल फिनोमिना अदर नेचुरल फिनोमिना इंक्लूड फ्लड्स साइक्लोन्स ड्राउट्स एंड टाइडल वेव्स दिस कैन बी वेरी डिवासीटिंग एंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू लाइफ एंड रिसोर्सिस अगर अर्थ क्वेक्स आते हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है देर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एज वेल एज़ प्रॉपर्टी ऐसे ही जो भी नेचुरल फिनमिन होते हैं कुछ इतने डिवास्टिटिंग होते हैं कि उनकी वजह से बहुत सारे इंसानों की जान जाती है एनिमल लाइफ डिस्ट्रॉय होती है प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय होती है इवन प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत नुकसान पहुँचता है हैव यू एवर सीन स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई ड्यूरिंग अ ये तो आप सब ने ही देखा होगा कि बिजली चमकती है जब बहुत तेज बारिश आने वाली होती है बादल गड़क रहे होते हैं तो बिजली चमकती है ना आसमान में तो ये क्या है ये एक नेचुरल फिनोमिन है स्ट्रीक्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड लाइटनिंग लाइटनिंग आर कंपेन बाय साउंड फॉर्म्स थंडर स्ट्रॉम टू लर्न अबाउट लाइटनिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस तो यहाँ पर क्या होता है लाइटनिंग में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं उनका डिस्चार्ज होता है जिसकी वजह से लाइटनिंग टेक प्लेस करती है तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैटर है वो किसका बना हुआ है एटम और एटम क्या होता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है न्यूट्रल का मतलब क्या है कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वट आर दीज चार्जेस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स वो किसका बना होता है वो प्रोटॉन्स का जो कि ज़्यादातर एटम के सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और एटम के चारों ओर रिवॉल्व करता है नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों जो हैं वो सेम होते हैं इसीलिए एटम जो है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे पार्टिकल्स जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन्स इन नॉर्मल स्टेट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ये हमने अभी बात करी कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्यों है क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है बिकॉज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बिकम अनईक्वल तब ही एक एटम जो है वो चार्ज अक्वायर करता है तो जब तक उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तब तक तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है लेकिन जब उसके अंदर अन ईवन नंबर ऑफ प्रोटोन्स हो जाए या अन ईवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तब जाकर वो एक चार्ज को अक्वायर करता है टू सी एन एक्टिविटी चिल्ड्रेन टू फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी तो इसके लिए आपको टू बलून्स चाहिए और एक आपको थ्रेड चाहिए आप क्या करोगे आप बलून को इन्फ्लेट करोगे और उसको रब करोगे अगेंस्ट योर ड्राई हेयर्स रब करने की वजह से क्या हुआ वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से हमारा जो बलून है वो चार्ज हो गया नाउ जेंटली प्लेस द बलून अगेंस्ट अ वॉल तो आप क्या देखोगे कि बलून जो है वो वॉल से स्टिक कर जाएगा नेक्स्ट रब अना द बलून इन द सेम वे हैंग बोथ ऑफ द बलून क्लोज टू ईच अदर अब हम क्या देखेंगे कि दोनों के दोनों ही बलून मूव अपार्ट कर जाएंगे यानी कि दोनों के ऊपर ही चार्ज डेवलप हुआ है एंड दैट टू सेम चार्ज

और वहीं एटम को अगर हमें नेगेटिवली चार्ज बनाना है तो हमें नेगेटिव चार्ज का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हमें कम करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाउ सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस चिल्ड्रन, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ चार्जेस तो इसके लिए हमें चाहिए टू ग्लास रॉड्स एक सिल्क क्लॉथ थ्रेड टू प्लास्टिक स्ट्रॉज एंड वूल रब टू ग्लास रॉड्स विदिल्क क्लॉथ पहले हम क्या करेंगे हम अपनी दोनों ही ग्लास रॉड्स को रब करेंगे तो आप इसको ऐसे सस्पेंड करेंगे फ्रीली ब्रिंग द टू ग्लास रॉड क्लोज टू ईच अदर एंड ऑब्जर्व अभी हमने क्या किया है दोनों ही ग्लास रॉड को किससे रब किया है सिल्क क्लॉथ से दैट मीन उनके ऊपर कैसा चार्ज आया है सेम चार्ज टू ग्लासॉ मूव अवे फ्रॉम इच अदर दैट इज दे रिपेल इच अदर तो सही बात है कि लाइक चार्जेस हुए हैं टू प्लास्टिक स्ट्रॉज ऑल्सो रिपेल ईच अदर ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने दोनों ही स्ट्रॉज को वुल के साथ रब किया है तो दोनों ने ही सेम चार्ज अक्वायर uh, किया है जिसकी वजह से दोनों ही रिपेल आउट हो जाएंगे सस्पेंड वन ऑफ द प्लास्टिक स्ट्रॉ फ्रीली नाउ ब्लिंग अ ग्रास रॉड रब विद सिल्क टू द सस्पेंडेड स्ट्रॉ एंड ऑब्जर्व अब हम क्या करेंगे कि हम एक स्ट्रॉ में जिसके ऊपर डिफरेंट चार्ज है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ग्लास रॉड उसको ग्लास रॉड के पास लेकर आएंगे तो अब हम क्या देखेंगे कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि दोनों ने ही डिफरेंट चार्जेस किए थे एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट अट्रैक्ट अदर। इसीलिए दोनों हो जाएंगे। द ग्लास रॉड एंड प्लास्टिक रॉड मूव टूवर्ड्स टूवर्ड्स इच अदर दस देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर चार्जेज विक्स हंड्रेड 600 सी तो चिल्ड्रन ये कोई अभी की बात नहीं है ये चार्जेस जो है बहुत पहले से ही डिस्कवर हो गए थे चार्जिंग अ बॉडी चिल्ड्रन हम चार्ज कैसे कर सकते हैं बॉडी को इसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं पहला रबिंग और फ्रिक्शन जैसे कि हमने अभी देखा हमने क्या किया हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब कर दिया हमने प्लास्टिक स्ट्रॉ को वूल से रब कर दिया या हमने बलून को लेकर अपने ड्राई हेयर से रब कर दिया तो इससे हमने क्या किया हमने बॉडी को चार्ज किया बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसकी वजह से बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है दूसरा होता है कंटैक्ट ऑफ अ कंडक्टर हम उसको किसी कंडक्टर के कंटैक्ट में ले आए अनचार्ज बॉडी को देन थर्ड इज इंडक्शन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड वी लर्न दिस इन दिस चैप्टर तो पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन When two bodies are rub against each other, friction between them produces equal and opposite charge in both bodies. Thus, friction is one of the method of charging body. तो friction से क्या हो रहा है जब हम दो bodies को इकट्ठे rub करते हैं तो दोनों ही bodies जो हैं acquire करती हैं charge because of the electrostatic force of attraction और दोनों पे ही अलग अलग charges आते हैं To demonstrate a charging of a body by friction, टेकअप प्लास्टिक कोम अ विदन क्लोथ और योर ड्राई हेयर ये तो बच्चे सब बच्चे करते हैं सब बच्चों का गेम है ये क्या करते हैं हम कोम लेंगे और उसे अपने ड्राई हेयर में अच्छी तरह से रब करेंगे फिर हम उसे पेपर बिट्स के पास लेकर जाएंगे और यहाँ तक कि हम पेपर बिट्स को टच भी नहीं करेंगे फिर भी पेपर बिट्स जो है वो कोम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे टेकअप प्लास्टिक कोम एंडराबिट विद अ वन क्लोथ और योर ड्राई हेयर ब्रिंग दिस कोम नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड समा लीव

हम एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसे हम लेकर आएंगे इन कॉन्टेक्ट ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट तो मतलब हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है और एक चार्ज बॉडी है और जब हम इन दोनों को टच करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो अनचार्ज बॉडी है वो भी चार्ज हो जाएगी वेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट कम्स इन कंटेक्ट विदार्ज ऑब्जेक्ट गेट ट्रांसफर टू द अनचार्ज ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ अ पॉजिटिवली चार्ज अलुमिनियम प्लेट is brought in contact with a neutral metal object. The neutral metal metal object. object The becomes charged as a result. तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी है और उसके साथ हम एक अनचार्ज बॉडी को सिर्फ टच करेंगे टच करने की वजह से क्या होगा वहां पर भी चार्ज जो है वो अक्वायर हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन तो चिल्ड्रन इसके अंदर हम जब चार्जिंग करते हैं तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के साथ टच नहीं करते सिंपल उसके पास लेकर आते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है इट अक्वायर्स अ चार्ज बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल विद द विदार्ज ऑब्जेक्ट वेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्लॉड क्लोज टू द चार्ज ऑब्जेक्ट अगर मैं एक अनचार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को मैं एक चार्ज नेगेटिवली चार्ज के पास लेकर आऊंगी तो क्या होगा नेगेटिवली चार्ज जो है पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस बॉडी के सो so, एक तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा जिसकी वजह से हमारी अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज हो जाएगी वेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू अ चार्ज ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट द अनचार्ज ऑब्जेक्ट अक्वायर्स अ चार्ज ऑफ ऑपोजिट नेचर टू दैट ऑफ द चार्ज ऑब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय इंडक्शन तो जब हमने क्या देखा था कि जब हम कंडक्टर यूज कर रहे थे तो सेम चार्ज आ रहा था लेकिन इस केस के अंदर ऑपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस होता है डिटेक्टिंग चार्जेस चार्जेस तो charges को डिटेक्ट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ चार्ज इन अ बॉडी इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तो चिल्ड्रन हम इसके लिए जो इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट अ चार्ज एंड द नेचर ऑफ द चार्ज विद द हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तो इसके अंदर क्या होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ मेटल रॉड इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है जो कि किसकी बनी होती है ब्रास की एंड विद अ ब्रास डिस्क एट द टॉप यही वो डिस्क है जिससे आप टच करके पता लगा सकते हैं कि क्या है नेचर ऑफ द चार्ज एंड ऑफ चार्ज द ब्रास रॉड पास आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर है हमारी ब्रास ब्रास की रॉड और यहाँ पे लगे हुआ है इंसुलेटिंग प्लग और ये सारा किसमें पास हो रहा है एक ग्लास जार में एट द बॉटम ऑफ द ब्रास रॉड आर टू गोल्ड स्ट्रिप्स विच आर मेड ऑफ कॉपर ब्रास और गोल्ड तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ब्रास रॉड जहां पर खत्म होती है वहां पर दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ तो कॉपर के बने होंगे होंगे या फिर गोल्ड के बने होंगे दिन इन साइड एंड द वुडन बॉक बेस मेक्स द इलेक्ट्रोस्कोप मोर स्टेबल जनरली दिस इलेक्ट्रोस्कोप यूज इस गोल्ड स्ट्रिप देर फॉर इट इज कॉल्ड एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये है इसकी कंस्ट्रक्शन जिसमें हमें दो गोल लीव प्रेजेंट दिखाई देती हैं द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज फॉर द फॉलोइंग नंबर वन टू डिटेक्ट एंड मेजर द चार्ज ऑन द बॉडी हम इजीली इससे टच करके पता लगा सकते हैं कि जो हमारी बॉडी हमारे पास है जिसका चार्ज हमें आइडेंटिफाइड नहीं है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं द बॉडी टू बी टेस्टेड इज टच टू द ब्रास डिस्क ऑफ द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ़ द बॉडी इज चार्ज द लीवस ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज तो क्या होगा हम देखेंगे कि जो दोनों ही लीव्स हैं वो दोनों डाइवर्ज कर जाएंगी द अमाउंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ द लीव इंडिकेट द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी नंबर सेकेंड टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज ऑन द बॉडी भाई पहले तो हमने डिटेक्ट किया कि भाई कोई बॉडी हमारे पास अगर है तो वो चार्ज है या नहीं है दूसरी चीज़ हम इससे फाइन कर सकते हैं कि अगर वो चार्ज है तो उसके ऊपर कौन सा वाला चार्ज है This is done by touching the brass disc. फिर से हम वही काम करेंगे। हम brass disc से touch करेंगे अपनी body को। With a positively or negatively charged body, the leaves acquire same charge as the charged body and diverge। तो क्या होगा कि जो हमारी gold की leaf है, वो दोनों same charge acquire कर लेंगी जिस जो charge हमें identify करना है। और वो diverge कर जाएंगी। Let us assume that the electroscope is negatively charged। तो ये तो हमें पता है कि हमारा electroscope पे कौन सा charge है। बॉडी क्लोज टू द ब्रासक्ट्रोस्कोप आप अपनी जिसको भी हमें टेस्ट करना है उस बॉडी को हम टच करेंगे ब्रासडिस्क से इफ द डायजेंस ऑफ द लीव इंक्रीज अगर डायवर्जन इंक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी हम टच कर रहे हैं वो कैसी है वो नेगेटिवली चार्ज है इफ द बॉडी हैज सेम चार्ज एज द इलेक्ट्रोस्कोप फ द डाइवर्जेंस डिक्रीज और अगर डायवर्जेंस डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी हमने टच की है ब्रासड डिस के उसके ऊपर जो चार्ज है वो बिल्कुल ऑपोजिट है टू द इलेक्ट्रोस्कोप ना हैवे लुक ऑन एक्टिविटी चिल्ड्रन हम अपना इलेक्ट्रोस्कोप घर पर खुद भी बना सकते हैं कैसे आइए देखते हैं इसके लिए मटीरियल हमें चाहिए ग्लास जार कार्डबोर्ड अलूमिनियम फॉयल प्लास्टिक स्केल और रिफिल Paper clip and a pair of scissors. Procedure Place an empty wide glass jar on a table. Take a cardboard sheet and cover the mouth of the jar. Make a small hole through the cardboard sheet. Take a paper clip and spread open one end. Insert it through the hole so that both the cardboard and the clip are perpendicular to each other. Make loops at both ends of the paper clip. देखो इस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो बना सकते हो आप एक ग्लास जार लोगे उसके ऊपर आप एक कार्डबोर्ड फिक्स करोगे पेपर क्लिप की हेल्प से आप इसमें दो एलुमिनियम स्टिक्स को ज्वाइन करोगे यूजिंग सिजर्स का टू स्ट्रिप्स ऑफ एलुमिनियम फॉइल ईच फोर सेंटीमीटर इन लेंथ एंड वन सेंटीमीटर इन विथ हैंग द फॉय स्ट्रिप्स ऑन द लोअर लूप ऑफ द पेपर क्लिप जो आपने पेपर क्लिप लगाया है उसके लोअर लूप से आप दोनों ही अलूमिनियम फॉयल को ज्वाइन कर देंगे रब अ प्लास्टिक स्केल विद ड्राई हेयर टू चार्ज तो अब हम क्या करेंगे एक प्लास्टिक स्केल लेंगे और उसको चार्ज करेंगे बाय रबिंग इट विद अ ड्राई हेयर्स टच द टॉप एंड ऑफ द पेपर क्लिप विद द स्केल एंड ऑब्जर्व द फॉयल स्ट्रिप्स बिलो टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप्स विद योर फिंगर्स एंड ऑब्जर्व तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे द अलूमिनियम स्ट्रिप्स डाइवर्ज और रिपेल ईच अदर वेन द क्लिप इज टच चार्ज प्लास्टिक स्केल द अलुमिनियम स्ट्रिप टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वेन द क्लिप इज टच विद द हैंड दिस बिकॉज स्ट्रिप्स रिलीज चार्ज टू द अर्थ थ्रू द थ्रू योर बॉडी तो इससे क्या कंक्लूजन मिला कि दिस प्रिंसिपल इज यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोस्कोप divergence of aluminum strip indicates presence on charge on the plastic scale or any other object used the greater the divergence that means more charge is present a simple microscope can be used to detect and test the nature of the charge present on an object children the process by which a charged object releases charge to uncharged object और टू द ग्राउंड इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट अपना चार्ज एक अनचार्ज बॉडी को दे देता है या उसका चार्ज अर्थ में मूव कर जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग इन द अबव एक्टिविटी वेन द अलूमिनियम स्रिस्ट आर टच विद द बेयर फिंगर भाई आपने पहले क्या किया आपने पहले उसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट से टच किया था दैट मीन्स एक स्केल से टच किया था तो उसने चार्ज अक्वायर कर लिया अब आपने जब उसे अपनी फिंगर से टच किया तो जो चार्ज उसने अक्वायर किया था वो आपकी फिंगर में ट्रांसफर कर देता है और इसी वजह से अलूमिनियम स्ट्रिप्स जो है वो वापस अपनी प्लेस में आ जाती हैं इसे ही हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग आ टच विद बेयर फिंगर्स दे गेट डिस्चार्ज बिकॉज अ बॉडी कंडक्ट चार्ज एंड ट्रांसफर टू द ग्राउंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द ग्राउंड इज कॉल्ड अर्दिंग लाइटनिंग एंड एटमोसफेयरिक इलेक्ट्रिसिटी तो चिल्ड्रन इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बात प्रूफ करी थी कि जो लाइटनिंग है लाइटनिंग किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ द आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइटनिंग इज कॉज बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इन द क्लाउड्स तो जो क्लाउड्स हैं वो भी हमारे चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है और जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के क्लाउड्स इकट्ठे आते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है और जो हमें थंडरस्टॉर्म जो है सुनाई देता है या जो लाइटनिंग दिखाई देती है इट इज बिकॉज़ ऑफ दिस रिपल्शन फोर्स ही flew a silk kite with a iron frame and tied a key to a strong silk thread which was then used to fly the kite तो उन्होंने क्या किया यही चीज देखने के लिए कि क्या क्लाउड्स में चार्जेस प्रेजेंट हैं या नहीं उन्होंने एक सिल्क क्लॉथ लिया उससे काइट बनाई और उसको लगाया एक आयरन फ्रेम में द काइट वॉज फ्लोन द स्काई वॉज कवर्ड थिक ब्लैक क्लाउड्स एंड इट विज अबाउट टू रेन तो बिल्कुल काले बादल छाए हुए थे आसमान में जब उन्होंने अपनी काइट को उड़ाना शुरू किया देर वॉज अ लॉट ऑफ लाइटनिंग एंड सडनली ही एक्सपीरियंस अ स्पार्क रनिंग थ्रू हिज हिस्ल द इलेक्ट्रिक चार्ज पास टू फ्रॉम द आयरन फ्रेम ऑन द वेट थ्रेड क्योंकि बारिश होने वाली थी थ्रेड भी वेट था द वॉटर इन द थ्रेड एक्टेड एज अ गुड कंडक्टर एंड द चार्ज वर ट्रांसफर टू द की एंड देन टू हिज नाकल गिविंग हिम एन इलेक्ट्रिक शॉक तो उनको उसकी वजह से एक अच्छा वाला इलेक्ट्रिक शॉक लगा था क्योंकि आयरन क्या है आयरन एक मेटल है मेटल ने कंडक्ट की इलेक्ट्रिसिटी सिमिलरली थ्रेड में पास हुई थ्रेड कैसा था गीला था वॉटर इज अगेन अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से क्या हुआ उन्हें एक शॉक लगा था दिस एक्सपेरिमेंट डेमानस्ट्रेटेड दैट द लाइटनिंग इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल चार्ज डिस्चार्ज इन द एटमोसफेयर तो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग किसकी वजह से होती है बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज अब ये नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं

लेकिन चार्ज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि क्लाउड जो है वो रब करते हैं बिकॉज ऑफ द एयर प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स की वजह से द चार्ज इज सेपरेट विद इन द क्लाउड्स द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड जनरली कैरी नेगेटिव चार्ज तो हम क्या देखते हैं कि जब हमारे क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं तो जो लोअर पोर्शन ऑफ क्लाउड्स होता है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और अपर पोर्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट आउट हो जाता है देर इज अक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज

हाउ एवर वेन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज बिल्ड अप द एयर कैन नो लॉन्गर रिजिस्ट देयर फ्लो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग एन इंटेंस स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड इन द स्काई दिस रैपिड फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन अपोजिटली चार्ज क्लाउड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉमनली नोन एज लाइटनिंग तो क्या होता है कि जब क्लाउड्स में ये चार्जेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि एयर इन्हें होल्ड नहीं कर पाती है तो ये चार्जेस जो हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइटनिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रिलीज इज अज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट दिस द एयर टू एक्सपैंड वेरी सडनली क्रिएटिंग अ वेव ऑफ ऑफ वाइब्रेशन दिस इज द कॉज थंडर दैट वी हियर तो अब हमें थंडर क्यों सुनाई देता है हमें पता चल गया क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है तो इसकी वजह से आपको लाइट भी दिखती है एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट हो जाती है हीट की वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है एंड यू ऑल नो एनीथिंग जो गर्म होती है वो एक्सपैंड करती है राइज अप कर जाती है सडनली क्रिएटिंग अ वेव ऑफ वाइब्रेशन जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं जो कॉज करती हैं थंडर को जो हम सुन पाते हैं लाइटिंग एन अकर नॉट ओनली बिटवीन टू क्लाउड्स बट ऑल्सो बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ दस लाइटिंग इज अ कंपेन बाय लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड अ वेरी हाई टेम्परेचर तो क्या होता है कि लाइटनिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाउड्स के ही बीच में हो क्लाउड और अर्थ अर्थ में भी चार्जेस प्रेजेंट है तो क्या होता है अर्थ और क्लाउड के बीच में भी चार्जेस की वजह से लाइटनिंग प्रोड्यूस हो सकती है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है जो हम लाइटनिंग की फॉर्म में देख पाते हैं

हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अगर हम घर से बाहर हैं तो डू नॉट स्टैंड अंडर और नियर अ ट्री क्योंकि ट्री जो है इट कैन लीड टू द कंडक्शन ऑफ चार्जेस इसीलिए कभी भी पेड़ के नीचे या उसके आसपास खड़े नहीं होना चाहिए डू नॉट रिमेन इन ओपन प्लेस अगर आप ओपन प्लेस में खड़े रहोगे तो आप तो ईजी प्रे बन जाओगे फॉर दैट लाइटनिंग टू टेक प्लेस क्योंकि हमारी बॉडी भी चार्ज होती है टेक शेल्टर इन साइड अ बिल्डिंग और इफ़ अन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्रीज स्टे अवे फ्रॉम टॉल ट्रीज मेटेलिक ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए इवन पोल से हमें दूर रहना चाहिए ओपन व्हीकल्स लाइक बाइ मोटर बाइक्स ट्रैक्टर्स ओपन कार एंड मशीनरीज आर नॉट एट ऑल सेफ क्योंकि वो भी मेटल के ही बने होते हैं एंड दे कैन फॉर्म अ कंडक्टर फॉर दैट इलेक्ट्रिक चार्ज Do not lie flat on the ground if you are in open area. Instead, squat low. This reduces the chance of electric current passing through you to the ground. Avoid being near water bodies. Water bodies के भी pass नहीं होना चाहिए अगर आपके पास swimming pool है या आप swimming pool में हैं तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए Even अपनी body को भी wipe out कर लेना चाहिए So because water again is a conductor of electricity. डू नॉट ओपन एन अम्ब्रेला हमें अम्ब्रेला भी नहीं खोलना चाहिए इससे भी हमें शॉक लग सकता है और अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज सच एस टीवीज एंड कंप्यूटर्स ड्यूरिंग लाइटनिंग हमें इन सारे ही अप्लायंसेस को स्विच ऑफ कर देना चाहिए इनके पास भी नहीं जाना चाहिए इन्हें टच भी नहीं करना चाहिए डो नॉट यूज कॉर्डेड टेलीफोन्स यूज मोबाइल फोन्स और कॉर्डलेस फोन्स इन स्टेड स्टे अवे फ्राम द डोर्स डोर्स और विंडोज को अच्छी तरह से शट डाउन कर देना चाहिए डो नॉट टेक अ शावर इस टाइम पर हमें शावर भी नहीं लेना चाहिए और इवन जो हमारी टैब्स होती हैं वो भी मेटल की बनी होती हैं उनको भी हमें टच नहीं करना चाहिए लाइटनिंग कंडक्टर तो चिल्ड्रन अगर आप देखो कि आजकल कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है स्काई स्केपर्स डेवलप किए जाते हैं इतनी हाइट की बिल्डिंग्स होती है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हम देखते हैं तो ऐसी बिल्डिंग्स जो इतनी पास हैं स्काई के वो तो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं लाइटनिंग उनको स्ट्राइक कर सकती है तो भाई वो क्यों नहीं डैमेज होती लाइटनिंग से इट इज़ बिकॉज क्योंकि वहाँ पर हम क्या लगाते हैं लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जितना भी चार्ज अगर उस बिल्डिंग के ऊपर आके गिरता है वो सारा का सारा अर्थ में मूव हो जाता है और हमारी जो बिल्डिंग है वो प्रोटेक्ट

द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द ग्राउंड तो इसकी वजह से क्या होता है कि जितना इसका चार्ज होता है वो सारा का सारा ही अर्थ में मूव कर जाता है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर टू द ग्राउंड विदाउट दिस कंडक्टर द एंटायर चार्ज वैव पास द बिल्डिंग पोटेंशियली डैमेज इट और सेटिंग इट टू फायर और अगर ये लाइटनिंग कंडक्टर ना होता तो क्या होता कि जितना भी क्लाउड का चार्ज है वो सारा बिल्डिंग पे आके गिरता जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लग सकती थी लाइटनिंग ऑल्सो भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाइटनिंग होती है वो प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है क्यों क्योंकि प्लांट्स जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एसच यूज नहीं कर सकते हमारे एटमॉस्फेयर में 78 परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट है बट प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्टली अब्जॉर्व नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से उनको नाइट्रोजन चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ सोलिबल फॉर्म दैट इज नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स तो वो उन्हें मिलती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग लाइटनिंग ही वो टाइम होता है जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है सॉइल तक पहुंचती है और वहां से प्लांट्स जो है उसे वो अब्जॉर्ब करते हैं टू मेक द प्रोटीन ड्यूरिंग लाइटनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द एयर रियक्ट टू फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी नाइट्रोजन ऑक्साइड अब क्या है लाइटनिंग हो रही है बारिश का टाइम है तो जो रेन वाटर है वो इसे अपने में डिजोल्व कर लेगा ठीक है और फिर ये कहां पहुंचेगा डिजोल्व कर लेगा और वो जाके गिरेगा सॉइल पे तो सॉइल में हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन जो है वो नाउ इट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट्स टू गेट इट अब्सॉर्ब दीज नाइट्रोजन सब्सटेंसिस प्रेजेंट इन द दॉइल आर यूज बाय प्लांट्स एज न्यूट्रिय एडिशनली इन द एटमोस्फेयर डूरिंग लाइटनिंग अब दूसरी चीज क्या है कि लाइटनिंग के टाइम पर ही ओजोन गैस बनती है ओजोन इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन द एटमोस्फेयर एंड ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन तो लाइटनिंग ही वो टाइम है जब ओजोन गैस का डेवलपमेंट होता है स्ट्रेटोसफेयर में और यही वो ओजोन लेयर है जो हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन फ्रॉम द सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं नाउ कॉशन सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन डूरिंग लाइटिंग इफ़ यू आर क्लोज टू योर हाउस क्विकली गेट इन और एल सी शेल्टर इन एनी बिल्डिंग

Stay at least a few feet away from open windows, sinks, toilets, and electrical boxes. Stay indoor for 30 minutes after the last thunder is heard. Unplug all the electrical appliances as soon as you hear thunder. Avoid using landline phones. Except in an emergency, mobile or cordless phones may be used.

पहला पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट जो हमें ऊपर दिखाई देता है क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल और सबसे इनर मोस्ट पार्ट ऑफ दी अर्थ इज कॉल्ड एज कोर तो जो कोर है वो भी दो लेयर्स में डिवाइडेड है जिसको हम बोलेंगे इनर कोर एंड दी आउटर कोर द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल टूगेदर फॉर्म लिथोस्फेयर तो लिथोस्फेयर पे तो हम रहते हैं है ना ग्राउंड पे हम जो रह रहे हैं वो अर्थ का कौन सा पार्ट है क्रस्ट का पार्ट है या अपर लेयर ऑफ द मेंटल है द लिथोस्फेयर इज कम्पोज ऑफ मेनी फ्रैगमेंट एंड इज नॉट अ सिंगल कंटिन्यूस पीस तो ये बात भी सच है कि जो अर्थ है वो कोई सिंगल कंटिन्यूस पीस नहीं है उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट प्रेजेंट हैं दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग भाई हमारा जब अर्थ ही कॉन्स्टेंट मोशन में है तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी तो मोशन में है अ डिस्टर्बेंस अकर इन द अर्थ क्रस वेन दीज प्लेट्स ब्रश पास्ट वन अनादर और कोलाइड विद ईच अदर और कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लेट्स जो हैं ये आपस में ही टकरा जाती हैं मूवमेंट अर्थ तो इस कॉन्स्टेंट मोशन में है अर्थ ये तो हमें सबको ही पता है कि अर्थ अपने ही एक्सेस पे मूव करता है और अर्थ सन के भी चारों ओर मूव करता है जो अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स लगी हुई हैं वो भी कांस्टेंट मोशन में हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में ही रगड़ खा जाती हैं दिस रिजल्ट इन अर्थक्वेक्स और इनकी वजह से आते हैं फिर अर्थक्वेक्स क्वेक्स इराप्शन एंड सुनामीज तो अर्थक्वेक सबसे पहला जो नेचुरल कलेमिटी है या नेचुरल डिजास्टर है वो है अर्थक्वेक तो अभी हमने जाना अर्थक्वेक कैसे आता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स यू हैव हर्ड अबाउट द मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अर्थक्वेक्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू मे हैव ऑल्सो हर्ड दैट सम एरियाज आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स दैन अदर्स अगर आप हम इंडिया की ही बात करो तो जो हिमालयन रीजन है वो किस कैसे माउंटेन्स हैं वो है यंग फोल्ड माउंटेन्स मतलब नए नए बने हुए माउंटेन्स है एंड दे आर द रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स लेट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ टू अंडरस्टैंड वाई पर्टिकुलर एरिया इज असैप्टेबल टू अर्थक्वेक अकुरस ऑफ अर्थक्वेक अर्थक्वेक क्या होता है बच्चों इट इज सडन मूवमेंट और डिस्टर्बेंस इन द लिथोस्फेयर जमीन जो है वो खिसकती है इसी की वजह से क्या होता है भूकंप आते हैं जिसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं अर्थक्वेक में भी माइल्ड ये हल्के भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा मैसिव भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का ही डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक कैन बी कॉज बाय वेरियस रीजन अब अर्थक्वेक किस किस की वजह से हो सकते हैं ये हो सकते हैं वोलगैनिक इराप्शन की वजह से कोलिजन ऑफ मीटियोर विद अर्थ बाई मीटियोर जो है ये अर्थ के अंदर आते रहते हैं तो कभी कभी मीटियोर्स जो है अर्थ से कोलाइड भी कर जाते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स जो है वो पॉसिबल हैं अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकते हैं और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स तो चिल्ड्रेन जैसे ही ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये अर्थ में मूवमेंट शो कर रही हैं क्या होता है कभी कभी ये आपस में रगड़ खा जाती हैं दे रब अगेंस्ट ईच अदर दे बिकम इंटरलॉक तो क्या होता है विच हिंडर देयर मूवमेंट अब क्या है कि जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं ये जब ये रब हो जाती हैं तो ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं अब जब ये इंटरलॉक हो गई तो अब ये मूव कैसे करें ओवर टाइम द फोर्स एक्जर्टेड फ्रॉम बिनीथ द प्लेट्स क्रिएट इमेंस प्रेशर ओवर द प्लेट एज तो क्या होता है कि भाई धीरे धीरे टाइम के साथ में अब इनके ऊपर जो है वो प्रेशर जनरेट होने लगता है नीचे से इनके ऊपर प्रेशर लगता है ये बेचारी मूव भी नहीं कर पा रही हैं और नीचे से इमेंस प्रेशर जो है वो इनके ऊपर एग्जर्ट होता है व्हेन द प्रेशर बिकम्स टू ग्रेट द प्लेट्स एब्रपली ब्रेक फ्री तो क्या होता है इस प्रेशर की वजह से ये प्लेट्स जो हैं ये ब्रेक हो जाती हैं दिस सडन रिलीज ऑफ एनर्जी जनरेट हाई एनर्जी वेव शन इसी की वजह से क्या होता है कि इस अमाउंट तक इस, इस हद तक एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो है ये आपस में टूट जाती हैं दीज वेवस नोन एज से जो वेवस क्रिएट हुई इसकी वजह से जो अर्थ में स्प्रेड होती है वेव्स उन्हें हम बोलते हैं सेसमिक वेव्स और इन्हें ही यही वो वेव्स होती हैं जो हमें फील कराती हैं कि भूकंप आया है अर्थवेक आया है द प्लेस वेयर अर्थ क्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड एज सेस्मिक फोकस तो जहां पर से आ, आ, हमारा अर्थ क्वेक बिगेन करना शुरू करता है उसको हम बोलते हैं सेस्मिक फोकस इट इज़ द द पॉइंट वेयर एजेस ऑफ द प्लेट्स गिव अवे तो ये वही पॉइंट है जहाँ से दोनों प्लेट्स जो है वो ब्रेक करेंगी द पॉइंट वर्टिकली अबव द सेस्मिक फोकस ऑन द अर्थ सर्फेस और जब ये अर्थ सर्फेस तक पहुंचता है इसे हम बोलते हैं एपी सेंटर ही वो जगह है जहां पे अर्थक्वेक जो है वो फील होगा सेस्मिक वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग एन एन अर्थक्वेक आर मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज सेस्मोग्राफ तो आजकल हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है तो उसको उसके लिए क्या है कि जो सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राफ द साइंस ऑफ स्टडिंग अर्थक्वेक इज कॉल्ड से इसीलिए जो लोग इसको पढ़ते हैं अर्थक्वेक्स को पढ़ते हैं उस स्टडी को बोला जाता है सेस्मोलॉजी सेस्मोग्राफ जनरेट्स अ सीरीज ऑफ लाइन्स कॉल्ड अ सेस्मोग्राम तो क्या होता है जो ये ग्राफ होता है ये एक पेपर है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स बननी शुरू हो जाती है जिसको हम बोलते हैं सेस्मोग्राम यही इंडिकेट करता है कि जो अर्थक्वेक आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या है वो ज्यादा सीवियर है या हल्के स्केल का है दीज आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल तो इस इसको जितना ये अर्थक्वेक आ रहा है या जिस मैग्नीट्यूड uh, का ये अर्थक्वेक आया है उसको मेजर करता है एक स्केल जिसको हम बोलते हैं रिक्टर स्केल और रिक्टर स्केल को डेवलप किया था चार्ल्स रिक्टर ने इन्हीं के नाम पे हमने इसका नाम रखा है रिक्टर स्केल रिक्टर स्केल से ही हमें पता चलता है कि जो अर्थक्वेक आया है वो किस इंटेंसिटी का था दिस इंडिकेट्स हाउ माइल्ड और डिस्ट्रक्टिव एन कुड बी द रिक्टर स्केल फ्रॉम कुछ टू नाइन तो आप यहां पे देख सकते हो ये है एक आपका सेसमोग्राफ जिसमें आपकी लाइन जो है बता लगाती हैं रिक्टर स्केल से कि हमारा अर्थक्वेक जो है वो कितना मैसिव है या माइल्ड है तो रिक्टर स्केल रेंज करता है जीरो से लेके नाइन तक की रेंज में जो अर्थक्वेक होते हैं जीरो से लेके थ्री तक की रेंज के वो बहुत माइनर होते हैं उनसे ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है और कभी कभी तो वो लोगों से पता भी नहीं चल पाता कुछ लोग कहते हैं कि अर्थक्वेक आया था कुछ कहते हैं अच्छा हमें तो फील ही नहीं हुआ क्यूं? क्यों क्योंकि उसका रिक्टर स्केल जो है वो कम होता है लेकिन अ फोर पॉइंट फाइव ऑन अ रिक्टर स्केल इज अ मॉडरेट अर्थक्वेक एंड कैन डिस्टर्ब लूज ऑब्जेक्ट्स लेकिन अगर फोर पॉइंट फाइव रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो ये हमें फील होता है और अगर फाइव पॉइंट फाइव का आता है तो ये तो काफी स्ट्रोंग अर्थक्वेक होता है एंड कैन कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स अ सिक्स पॉइंट फाइव कैन डैमेज वीक बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर वाइल एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड एट और हायर कैन कॉज ट्रिमेंडस डिजास्टर एंड डिस्ट्रक्शन तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर रिक्टर स्केल पे जीरो से लेके थ्री तक की रेटिंग है तो अर्थक्वेक कैसा है माइल्ड है पता भी नहीं चलेगा अगर 4.5 का अर्थक्वेक है तो ये हमें पता चलेगा कि हाँ जी भूकंप आया था और 5.5 का होगा तो इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट्स सिक्स का होगा तो जो बिल्डिंग्स होती हैं वीक बिल्डिंग्स होती हैं होते हैं उनको लॉस होगा और अगर एट रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है दैट मीन इट कैन कॉज अ ह्यूज टॉयल ऑन लैंड एज वेल एज लाइफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक तो चिल्ड्रन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक आइए जानते हैं एन अर्थक्वेक इज अ वेरी सडन एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड हाउ एवर सम प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज बाय अर्थक्वेक दीज प्रिकॉशंस इंक्लूड जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरीके से डिजाइन की जानी चाहिए कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो डिजाइन कॉल क्वालिफाइड आर्किटेक्ट इन सेस्मिक टू मेक क्वैक प्रूफ टिम्बर और मड शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन एंड कंक्रीट फॉर कंस्ट्रक्शन इन सेस्मिक एरियाज। अब जहां पर हमें पता है कि भाई अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं वहां पर जो हम रूफ है वो हमें बनानी चाहिए टिम्बर या फिर मड की ना कि ब्रिक्स की सीमेंट की कंक्रीट की क्योंकि फिर ये तो गिर जाएगा सारी चीज़ें एंड दे कैन कॉज अ डैमेज टू लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी रूफ मस्ट बी लाइट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज डैमेज कॉज बाय कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग बुककेस कैबिनेट्स कबर्स एंड शेल्फ शुड बी फिक्सड सिक्योरली बहुत अच्छी तरह से हमें इन्हें अच्छे से दीवार में फिक्स करके रखना चाहिए ताकि अगर अर्थक्वेक आए तो ये चीज़ें गिर ना जाए

अच्छे से मजबूत टेबल के नीचे या बेड के नीचे शेल्टर लेनी चाहिए जब तक कि अर्थक्वेक रुक ना जाए स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू इफ़ इन बेड स्टे देयर एंड प्लेस अ पिलो ओवर योर हैड टू प्रोटेक्टेड डू नॉट यूज़ अ लिफ्ट कभी भी लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अर्थक्वेक के टाइम पे और अगर हम कहीं बाहर हैं तो हमें इलेक्ट्रिक कोल्स या बड़े बड़े पेड़ों के पास से दूर हट जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे ऊपर ही गिर सकते हैं

The science of studying earthquake is called sesmology. Have a look on Wonderbox, children. William Gilbert invented the first electroscope in 1600. The first electroscope, a pivoted needle, was called the versorium. It was used by Australian scientist Victor Hess. इन द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक रेस तो बच्चों जब अर्थक्वेक आता है तो हमें अपने व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए स्लोली ड्राइव करना चाहिए टू क्लियर एरियाज़ अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल्स और टॉल बिल्डिंग्स नाउ हैव अ लुक ऑन कीवर्ड्स एंड एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड टेस्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस लाइटनिंग अजेंटिक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अकरिंग बिटवीन टू चार्ज क्लाउड or between a cloud and the earth lightning conductor a long conducting rod connected to the highest point of a tall building to conduct the heavy electrical discharge during lightning up to the earth tectonic plates rock plates that make up the surface of the earth seismic waves the shock waves in the solid rock generated by earthquakes seismograph an instrument for measuring the magnitude of earthquake जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटोन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम इसमें बी वाले को टिक करेंगे सो यू विल पुट अ टिकर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ चार्जिंग प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ चार्ज ऑन अनचार्ज बॉडी एज दैट ऑन द चार्ज बॉडी तो ये हम कैसे करेंगे बाय कंडच डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट तो इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अर्थक्वेक तो अर्थक्वेक इन सभी वजह से होता है इसलिए ऑल ऑफ दीज

like charges repel we can use an dash to detect and measure charge we can use an electroscope earthquakes are caused because of the motion of the tectonic plates

इनर कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड नहीं दिस इज फॉल्स टू मेजर अर्थ क्वेक्राफ हमें सिर्फ बताता है कि अर्थक्वेक कैसा है टॉल बिल्डिंग फॉल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम येस दिस इज ट्रू विदी होप यू है Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.